भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक एक साधारण सा प्रयोग कर देखिएगा अपने जीवन में, एक साधारण सा प्रयोग, जब आप आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देव अधिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहां से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग जो जलाधार शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है वो माँ पार्वती जी का हस्त कमल, ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहां शंकर भगवान की पांच बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की पांच बेटी। जब आपको लग रहा है कि मेरी जांच होने जा रही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ, कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म भस्म हो, भस्म का काम क्या? हमारे रोग को, हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है भस्म का।